स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सीरीज और ये जो संख्याओं का अनुक्रम है, ये यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और यदि उसमें रीजनिंग या फिर गणित आना है तो आप यहां से निश्चित समझें कि यहां से आपको दो या तीन अंक बनने वाले होते हैं। छात्रों, हम इसके लगभग आपको 25 से अधिक टाइप बताएंगे, लेकिन हर टाइप में हर वीडियो में दो या तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं छात्रों, नंबर सीरीज में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों, नंबर सीरीज में आपको तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें गलत पद क्या है, मतलब रॉन्ग टर्म क्या है। बहुत सी नंबर सीरीज लिखी होती है और एक पद वो गलत लिख देते हैं और कहते हैं इसमें गलत पद क्या है, उसको आपको ढूंढना है। या फिर यहां अज्ञात स्थान पर क्या आएगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिल करना होता है उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यू क्या होगी, वहां रिक्त स्थान रख देते हैं। या फिर यहां एक्स वाई जेड या कुछ भी लिख देते हैं कि इसका मान क्या होगा। ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चन नंबर सीरीज में से बनते हैं। तो सबसे अच्छा और एक चीज और है नंबर सीरीज में छात्रों, यहां जोड़ना घटाना गुणा भाग घनमूल वर्गमूल सम संख्याएं विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं और जितना कुछ भी आप जानते हो, आपका मैथमेटिक्स में जो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब पुरानी पृष्ठभूमि आपकी क्या है, आपकी संक्रियाओं के ऑपरेशन जोड़ना घटाना गुणा भाग करने की स्पीड क्या है, आप कितना लॉजिक लगा सकते हो, कहां तक आप सोच सकते हो, इस सब पर डिपेंड करता है। ये कई एंगल से हमें सोचना होता है, फिर जाके हम सही आंसर पे पहुंच पाते हैं। सही पैटर्न या जो भी लॉजिक एग्जामिनर का चल रहा होता है उसको हम पकड़ पाते हैं। देखते हैं जो टाइप फर्स्ट है, ये हम आपको बताने वाले हैं अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं या अग्र संख्याएं, और इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर सीरीज में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि छात्रों आप जानते हो, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, फिर ये ऐसे तीन अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है, या तो स्वयं से डिविजिबल होती हैं, या फिर एक से होती हैं, बाकी किसी का भाग इनमें नहीं जाता, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, एक से सौ तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनके बारे में हम आपको आगे कभी बताएंगे। तो आप समझ रहे हो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, जैसे दो है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस, इस टाइप से ऐसी इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा छात्रों, नंबर सीरीज में हम आपको एक बात बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो नंबर सीरीज का होता है, जब कभी आपका आंसर नहीं आता है तो आप ध्यान रखें, जब कभी भी आपका आंसर ना आए नंबर सीरीज में तो आप डिफरेंस निकाल लें, माने दो संख्याओं के बीच में जो गैप है, जो अंतर है वो निकाल लें, मतलब घटा दें, आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा दें। छात्रों, हमारा जहां तक अनुभव है 70 से 80% प्रश्न नंबर सीरीज के ऐसे होते हैं जिनको यदि आप बड़े टर्म में से छोटे वाले टर्म को जो बाजू में लिखा है यदि आप उसको घटा देते हैं तो आंसर आपका जल्दी आ जाता है। लॉजिक पकड़ने में या पैटर्न पकड़ने में बड़ी आसानी होती है घटा देने से। एक बार घटा दें, एक बार आंसर नहीं आ रहा, जो आपके पद आए हैं दोबारा भी घटा के देख लें, यहां से पैटर्न हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं हमने आपको बता दी, अब हम आगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 7, 11, 13 और 19 और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कह रहा है इनमें यहां क्या आएगा। तो देखो छात्रों, यहां हमें साफ समझ में आ रहा है यहां 9 नहीं है, यदि ये विषम संख्याएं होती तो यहां से 9 भी लिखा होता, पर 9 तो डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, इसलिए यहां 9 नहीं लिखा। तो 7, 7 के बाद अगली अभाज्य 11, उसके बाद में 13, 13 के बाद में हां यहां पर एक पद 7, 11, 13, यहां हम कर दें 13 के बाद में 17 और फिर यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो इसका आंसर कितना होगा 19, क्योंकि 19 कुल मिला के क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं ही आगे बढ़ रही हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3, 7, 17 और 31। देखो छात्रों, यहां जैसे 3, 3 के बाद में हमने यहां 5, 5 को छोड़ दिया, अभाज्य थी, अगली अभाज्य 7 आ गई, 7 और 17 के बीच में हमने यहां 11 छोड़ दिया और 13, दो संख्याएं छोड़ दी, पहले एक छोड़ी फिर दो छोड़ दी, 11 और 13, 31 देखते हैं कैसे आ रहे होंगे। यहां 17 से 31 के बीच में यहां हमने 19 छोड़ दी, यहां 23 छोड़ दी और 29 छोड़ दी,
यहां हमने तीन संख्याएं छोड़ दी, यहां अब हम पैटर्न पकड़ गए कि पहले हमने एक अभाज्य संख्याएं छोड़ी दो संख्याओं के बीच में, फिर दो के बीच में दो अभाज्य छोड़ी, फिर दो के बीच में तीन अभाज्य छोड़ी। अब अगला जो हम पैटर्न पकड़ गए हैं तो अगला हम 31 के बाद की चार अभाज्य संख्याएं छोड़ेंगे। तो जब हम 31 के बाद की चार अभाज्य संख्याएं छोड़ेंगे तो यहां से हम छोड़ने वाले हैं 31 के बाद में, आप गिन लें, एक तो 37 होगी, एक 41 होगी, फिर एक 43 होगी, फिर एक 47 होगी। ये हमने चार छोड़ दी, अब अगली जो अभाज्य होगी वो हमारा आंसर होगा। तो 47 के बाद में 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, 53। एक छोड़ी, दो छोड़ी, तीन छोड़ी, चार छोड़ी और आंसर क्या होगा, 53। चार संख्याएं छोड़ने के बाद में आगे देखते हैं, यहां भी देखो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, 2, 3, 7, 17, 31 और 53। देखो दो और तीन के बीच में हमने कोई भी अभाज्य संख्या नहीं छोड़ी, यहां 0। फिर 3 और 7 के बीच में हमने एक संख्या छोड़ी है 5। फिर यहां हमने 7 और 17 के बीच में, 7 और 17 के बीच में एक छोड़ी थी, अब दो छोड़ी है हमने। यहां कौन कौन सी छोड़ी हमने, 11 और 13, 17 आ गई आवाज। फिर वैसे ही 17 और 31 के बीच में हमने कितनी छोड़ी, 19, 23 और 29, 31 आ गया। फिर हमने इसके बाद में एक भी नहीं छोड़ी, 1, 2, यहां 3, यहां 4। अब हम पैटर्न पकड़ गए, अगली बार हमें क्या करना है, 5 अभाज्य संख्याएं छोड़ना है। आप छात्रों यहां आप करके देखना, 5 संख्याएं छोड़ के जो भी आंसर आया कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं छात्रों, यहां हम देख रहे हैं 8 लिखा है, 15 लिखा है, 29, 26, ये सब डिविजिबल है, ये सब विभाजित है। तो हमने आपको जैसा कि अभी बताया था कि जब कभी भी आपका आंसर ना आए तो घटा के देखें, बाद वाले पद में से पहला पद घटाएं। जैसे हम यहां 15 में से 8 घटाएं तो कितने बचेंगे, यहां 7, मतलब 8 में यदि हम 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 15। अब 26 में से जब हम 15 घटा रहे होंगे तो यहां हमें कितना मिलेगा, 11। इसका मतलब ये हुआ, रिवर्स कर रहे हम कि 15 में हमने 11 जोड़े होंगे तो कितना आ रहा होगा, यहां 26 आ रहा होगा। फिर यहां 26 से 39 कैसे हो गए, मतलब 39 में से हमने 26 घटाए तो 13 आए होंगे, मतलब 26 में 13 जोड़ रहे होंगे तो 39 मिल गया होगा। यहां जब हम 56 में से 39 को घटाएंगे तो यहां हमारा आ रहा होगा 17, मतलब 39 में हम 17 जोड़ेंगे तो 56 आ गया। अब यहां से हमें लॉजिक समझ में आता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब हम ये पैटर्न पकड़ चुके, 7 अभाज्य है, उसके जस्ट बाद की 11 अभाज्य है, उसके जस्ट बाद की 13 अभाज्य है और उसके तुरंत बाद की 17 अभाज्य है। अब छात्रों यहां हम पैटर्न अब पकड़ गए, 7, 11, 13, 17 इनका एडिशन हो रहा है बाद वाली संख्या में, तो अगली अभाज्य यहां क्या बनने वाली है, 19। मतलब इस 19 का एडिशन, मतलब जोड़ हम काय में करेंगे, 56 में। तो हम जब यहां 56 में 19 को जोड़ के देखते हैं तो 6 और 9, 15, 5, 1 कितना आता है, 75। तो छात्रों यहां हमारा आंसर कितना बनेगा, 75। ठीक, इसी प्रकार अगला देखते हैं, यहां भी देखो भाज्य संख्याएं लिखी, पर यदि आप समझ पा रहे होते कि ये प्राइम नंबर सीरीज बन सकती है, चेक ही तो करना है, कर लो। और वही की फैक्टर आप याद रखो, जब कभी भी आंसर ना आए आप डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें। छात्रों बहुत बड़ा लॉजिक है ये, बहुत बड़ा की फैक्टर है नंबर सीरीज का, हमेशा लगा के देखा करें। यदि आप नंबर सीरीज को डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहे इससे आप करें, 110 में से कितने घटाए, 2 यदि हम घटाए तो कितने आ गए, 108 आ गए। 108 में से 3 माइनस करें तो 105 हो गए, 105 में से 5 माइनस करें तो 100 हो गए, 100 में से फिर हमने 7 माइनस करें तो 93 हो गए। देखो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब काय की बारी है 7 के बाद, 9 तो विषम है, अब 7 के बाद काय की बारी है, 11 की बारी है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, हमें 93 में से, जैसे हमने 100 में से 7 घटाए 93 आए, 93 में से 11 को माइनस करना है। यह हमें क्या करना है, 93 में से 11 हमें घटाना है, 3 में से 1 गए 2 और 9 में से 1 गए 8। तो छात्रों यहां हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 82, मतलब 82। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, हमने जनरली 4-4, 5-5, 3-3 प्रश्न आपको करवाते जाएंगे और इसके बाद आप अपना नोट्स बना लेना और हर प्रकार की नंबर सीरीज की आप नोट्स बना के ऐसे रखना कि हर प्रकार की नंबर सीरीज की कम से कम आपके पास में 10-10 क्वेश्चन हो जाए। छात्रों यदि आप इतना कलेक्शन कर ले तो हमें लगता है इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, यदि आप हर टाइप के 10 प्रश्नों का कलेक्शन अपने नोट्स में कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं, टाइप 2 कहलाती है एडिशन सीरीज, मतलब जोड़ श्रृंखला या जोड़ सीरीज।
इसमें भी हमें यही करना है, वही लॉजिक फैक्टर क्या हमें लगाना है कि हम घटा के देखेंगे, घटा के देखेंगे, यहां से हमें पैटर्न मिल जाएगा। जैसे आठ में से दो गए कितने बचे, छह, मतलब यहां हम दो में छह जोड़ रहे होंगे तो आठ आ रहा होगा। फिर यहां आठ में चौदह में से आठ गए, यहां भी छह बचे, चौदह में से बीस में से चौदह गए, यहां भी छह बचे, मतलब दो और छह आठ, आठ और छह चौदह, चौदह और छह बीस। अब यहां हम पैटर्न पकड़ गए, मतलब प्लस सिक्स एड होते जा रहे हैं, तो बीस में जब हम छह जोड़ेंगे तो यहां आंसर हमारा कितना बनने वाला है इसका, 26, मतलब 26। यहां भी आप घटा के देखो, जब आप यहां घटा रहे होंगे या 346 में से, तो यहां 6 में से 5 गए, 4 में से 3 गए, 111 बना। मतलब यदि हम 235 में 111 को जोड़ दें तो 346 आ जाएगा। यहां भी आप घटा के देख लो इन दोनों में, कि यदि हम 457 में से देखो, 7 में से 6 गए 1, 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 3 गए 1, मतलब 346 में 111 जोड़े तो 457। अब हम पैटर्न पकड़ गए, दो मिल गए तो तीसरा भी ऐसे ही चल रहा होगा, मतलब 457 में एडिशन होना है 111 का। तो जब हम 457 में 111 यहां जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 5 और 1 6, 4 और 1 5, हमारा फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिलेगा आंसर छात्रों, 568। ठीक, इसी प्रकार हम और आगे देखते हैं। यहां देखो 611 में से 6 गए 5 बचे, मतलब 6 में 5 जोड़े कितने हो गए 11। फिर 11 से 20 कैसे, 11 से 21 कैसे हो गए 10 जोड़े, 21 से 31 कैसे होगा यहां 15 जुड़े, फिर यहां 36 से 56 कैसे होगा यहां 20 जुड़े। यहां से हम पैटर्न पकड़ गए, 5 जोड़े गए, 10 जोड़े गए, 15 जोड़े गए और 20 जोड़े गए, 5 दूनी 10, मतलब 5 का एडिशन बढ़ के और जुड़ते जा रहा है। इसका मतलब अब 20 यहां तक आ गए थे, अब बारी किसकी है, अब बारी है कितने की, 25 की। मतलब हम अब 56 में कितना जोड़ेंगे 25, जब हम 56 में 25 जोड़ रहे होंगे तो 6 और 5 11 की फसल आई, 5 और 2 7 और 1 8, इसका आंसर क्या आ रहा होगा, इसका आंसर कितना आ रहा होगा 81। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार यहां देखो 10 में से 4 घटाएं तो 6 आएगा, इसका मतलब रिवर्स यदि हम कर दें तो 4 में 6 जुड़े गए होंगे तो 10 आ रहे होंगे, 10 में 12 जुड़े गए होंगे तो 22 आ रहे होंगे, 22 में 24 जुड़े गए होंगे तो 46 आ रहे होंगे। और देखो अब यहां पैटर्न हम पकड़ गए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, मतलब 48 जोड़े जाना है 46 में। यदि हम 48 जोड़ दें कितने में, 46 में, तो ये बनने वाला 8 से 14 4 हंस रहे 4 4 8 और 9, ये कितना बनने वाला है 94, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 94। और आगे आप चेक कर लेना, यहां 48 जुड़े थे, आप उसमें 96 जोड़ देना, 94 में तो 190 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहां हम देखते हैं 165 में 195 से हमने 165 घटाए तो कितना मिलेगा यहां हमें 30, मतलब रिवर्स करें 165 में 30 यदि हम जोड़े तो कितना आएगा 195। फिर यहां फिर देखो 5 में से 5 गए 0, 5 को माने 15, 15 में से 9 गए 6, 2 में से 2 गए 0, मतलब 195 में 60 जोड़े तो देखो 30 का दो गुना हो रहा 60, यहां हम समझ रहे या 30 ही बढ़ रहे 60, तो यहां हम 90 से चेक कर, इसको भी हम चेक कर सकते, 5 में से 5 गए, बड़ी संख्या में छोटी घटाना है, 5 में से 5 गए यहां बचा कितना 0, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 गए 0, मतलब यहां 30 जोड़ा गया। अब यहां फिर यदि 30 60 हो सकता है, 30 60 ऐसा बन रहा हो, फिर से घटा के देख ले हम, 5 में से 5 गए 0, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए, हाँ ये पैटर्न बनता है। यहां हम पकड़ जाते हैं 30 जुड़े, फिर 60 जुड़े, फिर 30 जुड़े, फिर 60 जुड़े, छात्रों अब किसकी बारी है, फिर 30 की बारी है। तो यहां हम फाइनल रिजल्ट लाने के लिए क्या कर देंगे, हम कर देंगे इस 345 में हम कितना जोड़ देंगे 60, 60 की बारी थी तो 5 6 4 10 0 405, यहां हमें कितना आ जाने वाला है 405। ठीक है छात्रों, छात्रों टाइप 3 देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम डिफरेंस सीरीज कहते हैं, मतलब अंतर श्रृंखला, ये घटाने पर आधारित होती है। और ये हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि नंबर सीरीज में जब कभी आपका आंसर ना आए तो आप बड़े टर्म में से छोटे टर्म को घटाएं, निश्चित रूप से आप पैटर्न पकड़ जाएंगे या जो भी लॉजिक, जो भी थीम चल रही है आप उसे पकड़ जाएंगे। देखते हैं यहां भी बड़े में से छोटा हम घटाएंगे, 200 में से 192 घटे तो यहां कितना बचा, ये 8 घट रहे हैं तो हमने माइनस लगा दिया, 192 में से जब आप 184 घटाओगे तो यहां भी 8 घट रहे हैं, और 184 में से जब आप 176 घटाओगे तो यहां भी 8 घट रहे हैं,
यहां हम पैटर्न पकड़ गए कि हर दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है, तो यहां भी हम 176 में से जब 8 घटाएंगे, हम 176 में से जब 8 माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 1 गए यहां 6, ठीक, और 1 का 1 ही 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 168। दूसरा देखते हैं 325, 259, 204, 160 और 127। बड़ी संख्या में से हम छोटी घटाते हैं, 325 में से 259 घटाते हैं तो 5, 15 में से 9 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 0, 3 में से 3 गए, मतलब 325 में से हमने 66 यदि हम घटाएं तो 259 मिलेगा। यहां फिर हम यही लॉजिक अपनाते हैं, फिर से हम घटा के देखते हैं तो 9 में से 4 गए 5, 5 में से 0 गए 5 और 2 में से 2 गए 0, यहां 55 आता है। फिर यहां हम फिर यही लॉजिक अपनाते हैं, 204 में से 160 को घटाते हैं, 4 में से 0 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और 2 में से 2 गए 0, मतलब 204 में से 44 घटाए तो 160 मिला। और देखो छात्रों हम यहां पैटर्न पकड़ते जा रहे हैं, 66 घटे, 55 घटे, 44 घटे, मतलब ये जो है ये 11 के मल्टीपल हैं, 11 के जो है ये अपवर्त हैं, 11 के अपवर्त हैं और कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब यहां हम फिर से देख लेते हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं, यहां 160 में से जब हम 127 घटाएं तो 10 में से 7 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यहां कितना मिलता है हमें 33 मिलता है। अब बारी काय की है, 66, 55, 44, 33, 11 दूनी 22, इसका मतलब अब हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, 127 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो जब आप 127 में से 22 को घटाएंगे तो 7 में से 2 गए 5, 2 में से 2 गए 0 और 1 का 1 है, मतलब यहां हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 105 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं छात्रों अगला क्वेश्चन है, यहां भी अच्छा, और आप कैसे पकड़ोगे कि ये हमें घटा के देखना है। देखो हर जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं इनका एक लॉजिक होता है कि कैसे पकड़ोगे, संभवत है कि ये सीरीज बन रही है। देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये ज्यादा नहीं होता, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये ज्यादा नहीं होता, लेकिन देखो यहां हमने मल्टीप्लाईकेशन मतलब गुणा श्रृंखला लिखी है, गुणा श्रृंखला में क्या होता है, इसको कैसे पकड़ोगे मल्टीप्लाईकेशन सीरीज को, यदि बाद में आने वाले जो मान है वो अचानक से बढ़ते चले जाए, अचानक से बहुत ज्यादा उनमें वृद्धि हो जाए, लेकिन जैसे देखो हमने यहां 6 से चालू किया और अचानक से ये 4 टर्म 3 टर्म चलने के बाद में इसका मान 144 हो गया, 6 से चालू किया अचानक से बहुत जल्दी 384 हो गया, 2 से चालू किया 5000 पे पहुंच गया, 5 से चालू किया 600 पे पहुंच गया, 4 से चालू किया 240 पे पहुंच गया, यहां अचानक से यदि मानों में वृद्धि हो रही है तो हम समझ सकते हैं मल्टीप्लाईकेशन सीरीज होगी, ये गुणा श्रृंखला होगी, क्योंकि गुणा में ही अचानक से जो मान होते हैं टर्म अगले आने वाले उनके मान बढ़ते चले जाते हैं। अब हम यहां घटा के देखते हैं बड़ी संख्या में से छोटी, तो बड़ी संख्या 5690 में से हम 5121 को घटाते हैं तो यहां हमें मिलेगा 10 में से 1 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गए 5, मतलब 5690 में से 569 माइनस किए तो 5121 बचे। और हम चेक कर लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी है 5121, इसमें से 4552 को हम माइनस करेंगे तो यहां 11 में से 2 गए, यहां 9, 2 को माने 12, 12 में से 6 गए, यहां 6 और 1 को माने 11, 11 में से 6 गए 5। देखो छात्रों 5121 में से 4552 घटाए तो भी 569 मिल रहा, अब यहां दोनों जगह 569 मिल रहा, तो अब हम पैटर्न पकड़ गए, निश्चित रूप से आप घटा के देख लेना यहां भी 569 घट रहे होंगे 4552 में से, और जब आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है वो आप 3983 में से 569 को माइनस कर देना, जो भी यहां आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है छात्रों, अगली सीरीज जो है आप बाकी आप यहां से, हमने आपको पहले ही कहा था कि आप 10-10 प्रश्नों का कलेक्शन कर लें पुस्तकों में से या यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी, आप हर टाइप के 10 प्रश्न कर लें, यदि आप इन 10 प्रश्नों में मेहनत कर लेते हो तो हमें लगता है इससे ज्यादा आपको आने वाला नहीं है, आप सीख जाएंगे। इसके बाद में छात्रों ये मल्टीप्लाईकेशन सीरीज हमने लिखी है, मतलब ये गुणा श्रृंखला है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये गुणा श्रृंखला है, तो इसका पता लगाना बड़ा आसान है, हमने पहले ही आपको बताया कि अचानक से जो मान आने वाले होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जैसे देखो 6 से एकदम 12 क्या हो गए, 12 हो गए, मतलब मल्टीप्लाईकेशन 2 2 का गुणा हो गया, 12 से 36 कैसे हो गए, यहां 12 3 36 3 का गुणा हो गया, 36 से 144 कैसे हो गए,
36 में 4 का गुणा हो गया, 36 चौक 144। तो अगला जो आपका आंसर आना है वो कितना आना है आपको, यहां 144 में कितने का गुणा होना है, 5 का। अब आप 144 में इस क्वेश्चन में 5 का गुणा कर लेना, जो भी यहां आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं छात्रों, ये देखो 6 से चले और अचानक से 384 हो गए, मतलब हम दिमाग लगा सकते हैं कि हो सकता है मल्टीप्लाईकेशन सीरीज हो। अभी तो फिर पता है तो ये आसान होता है, करना बाद में समस्या आती है। 4 का गुणा किया 6 चौको 24, 24 में 4 का गुणा किया 24 चौको 96 होते हैं। अब आप 96 में भी 4 का गुणा करके देखना, 96 चौको 384 हो रहे होंगे। अब आपको यहां फाइनल रिजल्ट लाने के लिए यहां 384 में भी कितना का गुणा करना है, 4 का। यहां आपको 384 में 4 का गुणा करना है, जो भी आपका यहां आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, देखो 2 से 14 कैसे हो गए, 2 से 14 कैसे हो गए गुणा 7, 14 से 84 कैसे हो गए, 14 छन 84, पहले 7 का गुणा फिर 6 का गुणा। 84 से 420 कैसे हो गए, 84 में 5 का गुणा करना, 5 को 20 का सुनना सिलाई 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, मतलब पहले 7 का गुणा किया फिर 6 का किया फिर 5 का किया, यहां गुणा 4 का हो रहा होगा, यहां गुणा 3 का हो रहा होगा और यहां गुणा 2 का हो रहा होगा, मतलब 5040 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 10080 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस सीरीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये 5 ही लिखा है, फिर देखो फिर 5 ही आ गया, इसका मतलब ये है कि इस 5 में 1 का गुणा किया गया है, 5 एकम 5, फिर 5 से 10 कैसे आए, 2 का गुणा किया, फिर 10 से 30 कैसे आए, 3 का गुणा किया, ठीक, फिर 30 से 1 2 3, 30 से फिर 30 कैसे आए, 30 में फिर यहां 1 का गुणा किया तो फिर 30 आ गए, फिर 30 से 120 कैसे हो गए, 30 में फिर यहां 4 का गुणा किया, फिर 120 से 600 कैसे हो गए, यहां 120 में 5 का गुणा किया, 1 2 3। छात्रों यहां ऐसा करो, 130 को आप यहां से हटा लो तो ये प्रश्न सही बन जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, मतलब आप समझ लेना यहां से 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 30 में 4 का 30 चौको यहां 120 आ रहे होंगे, 120 में 5 का हो रहा होगा तो यहां 600 आ रहे होंगे, मतलब अब हम पैटर्न पकड़ गए 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का और 600 में जब यहां 6 का गुणा हो रहा होगा तो यहां कितने आ रहे होंगे, 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहां देखो 4 पंचे 20, 20 चौको 80, पहले 4 में 5 का गुणा किया तो 20 हो गए, 20 में फिर 4 का किया तो 80 हो गए, 80 में फिर 3 का करो, देखो 8 3 24, 240, मतलब 5 का 4 का 3 का, अब बारी काय की है 2 की, तो 240 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा 480। छात्रों ये अभी हमने आपको केवल ये 4 टाइप ही बताए हैं, यदि आपको हमारे पूरे 20-25 टाइप आपको पूरा देखना हो तो इसके बाद के जो पार्ट होंगे उनको पूरा देख लें। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।